हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप अर्चना। आई होप यू आर गुड। गाइस, टुडेज वीडियो इज अबाउट अ वेरी नेक्स्ट मेकअप ट्यूटोरियल एंड आई होप कि आपको ये जो है वो पसंद आएगा। बहुत ही कम टाइम में आप इसे इजीली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग एनी मेकअप, इट्स इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर फेस सो दैट योर मेकअप फेस डजंट लुक केकी। यहाँ पे मैंने अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। नाउ मैं अप्लाई करूंगी अपना प्राइमर। सो प्राइमर के लिए मैं जो आज यूज करने वाली हूँ वो है स्विस ब्यूटी का हाईलाइटिंग प्राइमर, क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप ट्यूटोरियल है तो आई वॉन्ट कि मेरा फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगे। सो दैट इज वाई आई एम यूजिंग दिस एंड यू कैन यूज वॉट एवर यू हैव। After priming my face, I make my eyebrows and eyebrows के लिए मैं use करूँगी Wet n Wild का eyebrow। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप जो है वो स्टार्ट करूंगी एंड आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं अपने आईलिड्स को अच्छे से कंसील करूंगी एंड कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ Wet n Wild का कंसीलर। काजल जो है वो लूंगी एंड इससे अपने आईलिड पे अप्लाई करूंगी। ब्लेंड दिस विद अ ब्रश। सो फ्रेंड्स, फॉर माय आईज आई एम यूजिंग माय Wet n Wild का न्यू डेवलपिंग पैलेट एंड इस पैलेट पे से मैं ये वाला शेड जो है वो अपने ब्रश में पिक करूंगी एंड इसको अपने आईलिड में अच्छे से प्लेस कर दूंगी एंड मेक श्योर कि जो भी एक्सेस है आप उसे डस्ट ऑफ कर दें। सो फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूंगी, एक फ्लफी ब्रश लूंगी एंड इसके एजेस को अच्छे से डिफ्यूज कर दूंगी सो दैट कोई भी हार्श लाइन जो है वो ना रहे। सो फ्रेंड, नाउ आई विल टेक दिस शेड एंड इसको मैं फिंगर से ही लेके अपने ऑल ओवर लिड पे अप्लाई करूँ। एंड नाउ अगेन इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि ये सीमलेस ब्लेंड हो जाए। मूव ऑन टू फेस एंड फेस को यहाँ पे मैंने प्राइम ऑलरेडी कर लिया है अपना एंड नाउ मैं अप्लाई करूंगी अपना फाउंडेशन एंड फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे मेबरिन का पिगमे फाउंडेशन। मेरा फेस थोड़ा हाइलाइटेड लग रहा होगा आपको, यहाँ पे एक शीन नजर आ रही होगी एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द प्राइमर, क्योंकि हमने एक हाइलाइटिंग प्राइमर जो है वो यूज किया था। सो नाउ मैं अपने फेस को थोड़ा कंसील करूंगी एंड कंसीलर के लिए मैं Wet n Wild का ही कंसीलर यूज करूंगी, बट ये कंसीलर थोड़ा उस पहले वाले कंसीलर से ना लाइट है तो इससे और थोड़ा हाइलाइटिंग इफेक्ट मिलेगा। फ्रेंड, आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर एंड आई एम गोना सेट माई फेस, बट मैं आज पूरे फेस को अपना सेट नहीं करूंगी। मैं यूजली वहां सेट करूंगी जहां पे मैंने अपना कंसीलर लगाया था, क्योंकि मुझे एक हाइलाइटिंग इफेक्ट चाहिए थी ना। तो मैं हल्का सा नीचे लोअर लाइन पे स्मोक आउट कर लूंगी। सो फ्रेंड, नाउ मैं अपना लाइनर अप्लाई करूंगी। लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये एसक्यू लाइनर एंड इससे मैं अपना लाइनर जो है वो ड्रॉ कर लूँ। फ्रेंड, मस्कारा के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेबरलिन का क्लॉसर मस्कारा।
एंड मस्कारा यहाँ पे मैंने अपना अप्लाई कर लिया है। नाउ मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूंगी एंड उसके लिए मैं अपना 20 समथिंग पैलेट में से ही हाईलाइटर पिक करके लगा लूंगा। फिर नाउ मैं अपने फेस को थोड़ा कॉन्टोर कर लूंगी एंड कॉन्टोरिंग के लिए मैं अपना वेट एंड वेल का ही कॉन्टोर किट इस्तेमाल करूंगी। सो फ्रेंड्स फेस यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रोल कर लिया है एंड उसको क्लीन भी कर लिया है। मेक श्योर कि हम अपने नोज़ को कॉन्ट्रोल करना ना भूलें क्योंकि नोज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपके फेस का एंड अगर आप उसे कॉन्ट्रोल नहीं करेंगे ना तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। एंड नाउ मैं अप्लाई करूँगी ब्लश एंड ब्लश के लिए मैं यहाँ पे मेबेलिन का ही ब्लश पैलेट यूज़ करूँगी। अपने फेस को करूंगी हाईलाइट एंड हाईलाइटर मैं अपने इसी पैलेट में से हाईलाइटर जो है वो अप्लाई कर दूंगी। फ्रेंड नाउ मैं अप्लाई करूंगी अपनी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक इन द शेड वाइन ब्लू। फेस को थोड़ा सेट कर लूंगी। फ्रेंड्स ये था मेरा आज का मेकअप ट्यूटोरियल। जो कि आप एज अ वेडिंग गेस्ट कहीं जा रहे हैं तो इजिली जो है वो कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो एक वार्म न्यूट्रल शेड्स का इस्तेमाल किया है एंड एड अप सम शिमर ताकि थोड़ा पार्टी वेयर लुक जो है वो मिल सके। सो या दैट इज द वीडियो ऑल अबाउट इट। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको आज का मेकअप लुक जो है वो किस तरीके का लगा है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल नाउ बाय।